दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की टीम से अंतिम ओवर में लगातार आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला हार रही दिल्ली की टीम पर पंत बुरी तरीके से भड़क गए हैं। आखिरकार वार्नर से लेकर बाकी खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए ऋषभ पंत ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और वार्नर में कौन एक बेहतर खिलाड़ी और कौन एक बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का हर मुकाबला हाई स्कोरिंग के साथ साथ अब लास्ट ओवर थ्रिलर मैच भी बन रहा है और ऐसा ही एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मैच खेला गया। आईपीएल का 16वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि था दिल्ली और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में। दोस्तों मुकाबले के शुरू होते ही मुंबई इंडियंस की टीम में वो खोया हुआ जज्बा नजर आ रहा था आखिरकार, जो उन्हें जीत दिला सके। दिल्ली की टीम की तरफ से दोस्तों वार्नर ने भले ही सॉलिड शुरुआत दिलाई, लेकिन अन्य खिलाड़ियों को कैसे आउट करना था इसकी पढ़ाई दोस्तों अच्छे से पढ़कर आई थी आज रोहित शर्मा की टीम। तभी तो पृथ्वी शॉ को शौकीन ने 15 रन पर आउट कर दिया। पीयूष चावला ने 26 रन पर मनीष पांडे को क्या निपटाया। रायली मैड्रिड की गेंद पर यशडूल आउट हुए और पीयूष चावला ने ही आगे चलकर रॉबमैन पॉवेल और ललित यादव को आउट कर दिया। 200 ले देकर एक खिलाड़ी बचा था अक्षर पटेल, वो 54 रन लगा गए और वार्नर भी 51 रन बनाकर गए, लेकिन 172 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे। दिल्ली के मैदान था, यानी कि 200 दिल्ली की टीम को ज्यादा वक्त भी मिला होगा प्रैक्टिस के लिए। उनका पलड़ा भारी लग रहा था अब, क्योंकि 173 का लक्ष्य छोटा नहीं होता। ऊपर से मुंबई की टीम के खिलाड़ियों की फॉर्म ज्यादा साथ नहीं दे रही और ऊपर से वो भी मैच नहीं जीते, तो दोस्तों सारे कारण कहीं ना कहीं मुंबई की हार ही बता रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में रोहित और ईशान ने मुकाबले को शुरुआत किया चेज करने के मामले में, इनकी जीत तो कंफर्म ही लग रही थी। दोस्तों रोहित शर्मा जहां बड़ी तेजी से 27-28 गेंदों के अंदर ही वो अपना 50 पूरा कर चुके थे, तो उधर दोस्तों ईशान किशन भी 26 गेंदों में 31 रन लगाकर गए। लेकिन दोस्तों रोहित केवल वहीं नहीं रुके, तिलक वर्मा का उन्हें साथ मिला और वो 6 चौके व 4 छक्के लगाकर लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 45 गेंद में 65 रन बनाकर गए। उधर तिलक वर्मा भी 29 गेंदों में 41 रन बना गए थे। लेकिन दोस्तों अफसोस के अंतिम ओवर से पहले ये दोनों निपट गए और अंतिम ओवर का सारा जिम्मा टिम डेविड व कैमरून ग्रीन पर आ चुका था। वैसे तो ग्रीन और डेविड ने 219 ओवर में 2 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग खत्म कर दिया था, क्योंकि जब 6 गेंद में 5 रन चाहिए हों और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी आगे हों तो जीत किस टीम की होगी आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला इतना रोमांचक बना के अंतिम गेंद तक गया। पहली गेंद पर 1 रन मिला, अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला और जब मामला आखिरी गेंद पे गया जहां पे 2 रन चाहिए थे, फिर टिम डेविड ने जैसे तैसे अपनी टीम को विजय बना ही दिया 6 विकेट के अंतर से। दोस्तों दिल्ली की टीम तो एक और मुकाबला हार गई ना, और अब उनका आईपीएल से बाहर होना भी लगभग कंफर्म लग रहा है। आखिरकार अपनी टीम की एक और बुरी हार पर पंत ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी टीम की हार को देखते हुए कहा, शब्द नहीं है इस वक्त इस हार के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। हम लगातार बैक टू बैक 3 मुकाबले हार चुके हैं, ये मुकाबला हमें हर हाल में जीतना था। आईपीएल में बने रहने के लिए आपकी टीम को शुरुआती मोमेंटम तोड़ना पड़ता है। अगर वो लगातार जीत का बन गया तो आप जीतते चले जाते हैं, अगर वो लगातार हार का बन गया तो फिर आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता और बाहर होने से भी। दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों से खुश नहीं हूँ। खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर के अगर अच्छी बैटिंग करते तो ये स्कोर 200 के पार होता और गेंदबाजों ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया जो इसे अंतिम ओवर तक ले गए। हालांकि पावर प्ले में कुछ विकेट्स मिल जाते जैसे कि रोहित शर्मा का या फिर ईशान किशन का वक्त रहते तो हम इस मुकाबले में अच्छी बढ़त बनाकर जीत भी सकते थे। नौरकिया ने तो अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी टीम की कप्तानी चूक गई, क्योंकि अगर कप्तानी में गेंदबाजों और बल्लेबाजों का सिलेक्शन अच्छा रहता तो जाहिर सी बात है हम इस मैच को भी जीतते और आगे चलकर बाकी मैचेस में भी विजय प्राप्त करते। उम्मीद है यह हार का सिलसिला जल्दी खत्म होगा और दिल्ली के खिलाड़ी हमें पहली जीत देंगे। तो ऋषभ पंत अपनी टीम की हार को देखकर पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो टीम के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टीम दोस्तों हार रही है, लगातार 4 मैच हार चुके हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पंत और वार्नर में एक बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।